सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस स्क्वाड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट डिफेंस वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो डिफेंस लवर्स, स्वागत है आपका डिफेंस ज्ञान सीरीज के फ्रेश एपिसोड में। जैसा कि आप सभी को ध्यान होगा, हमने आपको अपने डिफेंस अपडेट में बताया था कि इंडियन एयरफोर्स के MiG-29 फाइटर एयरक्राफ्ट को अपग्रेड कर लिया गया है और अब ये 4.5 जनरेशन वाले फाइटर्स को ज्वाइन करेगा। तो आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कि इस फाइटर में बड़े पैमाने पर कौन कौन से अपग्रेड किए गए हैं और इसके साथ ही हम इस बारे में भी बात करेंगे कि आखिर क्यों इंडियन एयरफोर्स इस 1980 के दशक के एयरक्राफ्ट को रिप्लेस करने के बजाय इसे अपग्रेड करने में लगी हुई है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर क्यों इंडियन एयरफोर्स इन MiG-29 फाइटर्स को रिप्लेस करने के बजाय इन्हें अपग्रेड करने में लगी हुई है। तो हम आपको बता दें कि ये MiG-29 फाइटर इंडियन एयरफोर्स द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले बाकी के मिग फाइटर्स यानी कि MiG-21 और MiG-27 की तुलना में काफी ज्यादा नया है और इसका ऑपरेशन रिकॉर्ड भी बाकी के मिग फाइटर्स की तुलना में काफी ज्यादा बेहतरीन है और भारत इस MiG-29 फाइटर को खरीदने वाला रशिया का पहला इंटरनेशनल कस्टमर था और इंडियन एयरफोर्स ने सन 1980 में करीब 50 से भी ज्यादा MiG-29S फाइटर्स को खरीदने के लिए तब ऑर्डर दिए थे जब ये फाइटर अपने विकास कार्य के शुरुआती चरण में ही था। यानी हम कह सकते हैं कि ये MiG-29 बाकी के MiG-21 और MiG-27 की तुलना में काफी ज्यादा नया है और भारत ने इस फाइटर को बड़े पैमाने पर सबसे पहले सन 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान इस्तेमाल किया था और इसी युद्ध में मालूम पड़ गया था कि ये MiG-29 फाइटर एक बहुत ही बेहतरीन मशीन है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि सन 2022 तक MiG-21 और MiG-27 को रिटायर कर दिया जाएगा और अगर हम ऐसे में MiG-29 को भी रिटायर कर देते हैं तो इससे हमारे इंडियन एयरफोर्स की स्ट्रेंथ जरूरत से ज्यादा कम हो जाएगी, जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता है। और वैसे भी अगर हमारा कोई फाइटर सही से काम कर रहा है तो फिर उसे रिप्लेस करने की कोई जरूरत नहीं है। और आप इसे इस बात से भी समझ सकते हैं कि अमेरिका जैसा विकसित देश भी आज भी अपने 80 के दशक के फाइटर्स F-16 का इस्तेमाल कर रहा है और ये सही भी है। अगर वो मशीन अपग्रेड करके बिल्कुल सही काम कर रही है तो फिर उसे रिप्लेस क्यों किया जाए। तो चलिए ये जानते हैं कि आखिर इस फाइटर में बड़े पैमाने पर कौन कौन से ऐसे अपग्रेड किए गए हैं जिसकी वजह से ये फाइटर एक 4.5 जनरेशन वाला फाइटर बन गया है। पहले के MiG-29 फाइटर्स में मिड एयर रिफ्यूलिंग जैसी कैपेबिलिटी नहीं थी जिसकी वजह से इनकी रेंज लिमिटेड थी और वे एक लिमिटेड दूरी तक ही जा सकते थे। लेकिन आज के समय के MiG-29 फाइटर्स में इस तरह की कोई भी लिमिटेशन नहीं रह गई है क्योंकि इसे इक्विप किया गया है एक मिड एयर रिफ्यूलिंग प्रॉप से, जिसकी वजह से अब ये एयरक्राफ्ट काफी लंबी दूरी तक डिस्टेंस कवर कर सकता है। और मिड एयर रिफ्यूलिंग कैपेबिलिटी प्रदान करने के बाद इस फाइटर एयरक्राफ्ट का फ्लाइट टाइम करीब 3500 घंटे तक बढ़ गया है। अपने अपग्रेड के बाद अब ये फाइटर ऑल वेदर कंडीशंस में और रात और दिन दोनों तरह की स्थिति में एयरबोर्न टारगेट्स और यहाँ तक कि ग्राउंड बेस मूविंग और स्टेशनरी दोनों तरह के टारगेट्स को एंगेज करने में सक्षम हो गया है। अगर बात करें इसके कॉकपिट की तो इसमें मॉडर्न लिक्विड क्रिस्टल मल्टीफंक्शन डिस्प्ले वाला एक ग्लास कॉकपिट लगाया गया है और वो भी हैंड्स ऑन थ्रॉटल एंड स्टिक कॉम्पैटिबल फ्लाइट कंट्रोल मोड के साथ। अगर बात करें इसके इंजन और सेंसर्स की तो इसे क्लिमोव के RD33 सीरीज 3 टर्बोफैन इंजन से इक्विप किया गया है और मल्टीपल टारगेट्स को ट्रैक करने के लिए इसमें ज्यू कैम रडार का इस्तेमाल किया गया है जो कि ऑल वेदर मल्टी मोड एयरबॉर्न रडार है। इसके एवेन्यूक्स को इम्प्रूव किया गया है जिसकी वजह से इसकी फ्लेक्सिबिलिटी काफी ज्यादा बढ़ गई है और इसकी मदद से इसे ऑपरेट करने वाला पायलट किसी भी सिचुएशन में इसे मैन्यूर करके अपनी पोजीशन को बदल के अपने दुश्मन पर स्ट्राइक कर सकता है। और इस एयरक्राफ्ट में वर्टिकल टेक ऑफ जैसी कैपेबिलिटी भी शामिल की गई है और इंडियन ऑफिशियल्स के मुताबिक इंडियन एयर स्पेस में प्रवेश करने वाले किसी भी दुश्मन फाइटर एयरक्राफ्ट को ट्रैक करने के बाद ये अपग्रेडेड MiG-29 फाइटर केवल 5 मिनट के अंदर टेक ऑफ कर सकता है और इसी वजह से इसकी दो स्क्वाड्रंस को रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण अदमपुर एयरफोर्स स्टेशन पर तैनात किया जा रहा है क्योंकि ये एयरफोर्स स्टेशन पाकिस्तानी सीमा से 100 किलोमीटर और चाइना की सीमा से केवल 250 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और अगर कभी भविष्य में इन दोनों देशों के साथ टू फ्रंट वॉर की संभावनाएं बनती हैं तो ये एयरक्राफ्ट कम से कम समय में टेक ऑफ करके फ्रंट लाइन फोर्सेस को सपोर्ट देगा क्योंकि अब अपग्रेडेशन के साथ ये फाइटर एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड और एंटी शिपिंग जैसे ऑपरेशंस को भी आसानी से अंजाम दे सकता है और इसके साथ ही इसमें आज के समय की कई सारे मॉडर्न मिसाइल्स को भी इंटीग्रेट करने के लिए इसे मॉडिफाई किया जा चुका है। यानी अब ये फाइटर पहले की तुलना में कहीं ज्यादा घातक और कहीं ज्यादा ताकतवर हो गया है।
तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। अगर इस वीडियो को लेकर आपको कोई सुझाव या सजेशन हो तो उसे कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।